नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे। तो आज फाइनली हमारे पास में दोनों महा कंपेटिटर्स खड़े हैं आमने सामने, टाटा नेक्सॉन एंड विटारा ब्रीजा। तो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों का आपस में बहुत अच्छा कंपैरिजन, बहुत अच्छा सेगमेंट में दोनों ही गाड़ियों को माना जाता है। आज फाइनली मुझे मौका मिला टेस्ट ड्राइव लेने का टाटा नेक्सॉन की। पहले भी मैंने ली थी, पर मैंने सोचा कि एक बार और टेस्ट ड्राइव ली जाए और आप लोगों के साथ में रिव्यूज़ और वगैरह उसका जो फीडबैक है प्रॉपर वो शेयर किया जाए और हल्का सा एक ब्रीजा से कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, तो जो गाड़ी हमारे पास में आई है वो आई है ZX टाटा मोटर्स गुड़गांव से सोना रोड। तो सेल्स वगैरह की इंक्वायरी आप उनसे कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कार। तो सबसे पहली चीज़ हम शुरू करेंगे गाड़ी की बॉडी स्ट्रेंथ से। तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी किसी के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है कि इस गाड़ी की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। पहली गाड़ी थी ये इंडिया की जिसने 5 स्टार रेटिंग स्कोर की थी NCAP टेस्ट में। और अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर और पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी ठोस है। कहीं से भी कहीं तक गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई कमी महसूस नहीं होती है। कहीं से भी अगर हम गाड़ी को छू के देखें, कहीं से भी अगर गाड़ी को महसूस करें, तो हमेशा ये गाड़ी आपको एक एहसास दिलाती है कि भाई गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी काफ़ी अच्छी बिल्ड है। और यहीं पर अगर हम ब्रीजा की बात करें तो ब्रीजा के अंदर 4 स्टार रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। एक बार इन दोनों का बूट स्पेस कंपैरिजन करेंगे और फिर थोड़ा और नेक्सॉन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्सॉन के ड्राइव रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर एम्पल स्टोरेज और एम्पल बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ इस वक्त साफ साफ कि दोनों गाड़ियों में आपको कितना स्पेस मिलता है। लगभग दोनों गाड़ियों में बराबर ही है, 350 लीटर बूट स्पेस आपको नेक्सॉन में देखने को मिलता है। और जो गाड़ी हम आज रिव्यू करने वाले हैं दैट इज़ दी ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसको हम ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड दोनों पे टेस्ट करेंगे और एक एक कंपैरिजन पॉइंट करके आपको बताएंगे। तो एक बार हम आपको इसकी गाड़ी की डोर थर्ड सुनवाते हैं कि इसकी डोर थर्ड कैसी महसूस होती है। मतलब काफ़ी अच्छी, एक जिसको कह सकते हैं सेटिस्फाइंग वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी इसमें फील होता है। अगर हम कैबिन स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। और गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर क्वालिटी है, इंटीरियर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो कि ब्रीजा में थोड़ा सा लैक करते हैं। और अगर हम रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है। और एक बार मैं अंदर बैठ के देखता हूँ, आई एम अ 6 फीट टॉल पर्सन, कि मेरे बैठने के बाद में कितना लेग रूम और कितना वहाँ पर स्पेस, हेडरूम वगैरह किस तरीके का है। चुके हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूं कि विजिबिलिटी जो है वो ड्राइवर सीट से किस तरीके की है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मतलब इनफ विजिबिलिटी यहां पे प्रोवाइड होती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लग रही है वो ये है कि ब्रीजा और नेक्सॉन दोनों में ही आपको बोनट विजिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको एक अच्छी खासी SUV-ish फील आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोनट भी बहुत आसानी से विजिबल है और काफ़ी अच्छी, मतलब विजिबिलिटी अगर मैं कहूँगा तो विजिबिलिटी के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। इंजन इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो इंजन की मुझे इस वक्त मतलब ना के बराबर आवाज़ आ रही है। यू कैन हार्डली टेल, अगर AC ऑन नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है, आप यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस कि भाई इफ़ कार इज़ बीन स्टार्टेड और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नेक्सॉन में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, पूरा ऑल डिजिटल है एंड इट इज़ डिजिटल इन ऑल वेरियंट्स। और यहाँ पे हरमन का म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है। और उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स वगैरह देखोगे तो डिज़ाइन एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे, मतलब सॉफ्ट फिनिश में यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट पियानो फिनिश मिल जाती है। ऑल 4 पावर विंडोज़ गाड़ी के अंदर हैं। और यहाँ पर भी जो आपका टेक्स्चर दिया गया है वो सॉफ्ट फिनिश में दिया गया है, सॉफ्ट प्लास्टिक में दिया गया है। और अभी अगर हम AC की बात करें तो AC का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। AC इस वक्त इज़ ऑन फर्स्ट लेवल एंड काफ़ी फैन स्पीड भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। और इतनी गर्मी में भी इस वक्त काफ़ी जुलाई के टाइम में भी ठंडक प्रोवाइड कर रहा है आपको। इस वक्त पहले गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऑटोमेटिक मोड पे और उसके बाद थोड़ा सा मैनुअल मोड पे ड्राइव करूँगा और दोनों का ही फीडबैक मैं आपको बताऊँगा किस तरीके का महसूस होता है।
तो ये गियर शिफ्टिंग जो एक स्लाइट लैग था, वो स्लाइट लैग जो आपका आता है उसमें यहाँ पे दोनों ही चीज़ें पुल इन करती हैं, जैसे कि आपका टर्बो पुल इन करता है और उसके बाद में जो आपका मैनुअल गियर शिफ्टर होता है वो गियर शिफ्टर आपका पुल इन करता है और गियर आपके लिए चेंज हो जाता है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड और वॉट एवर लेवल यू आर ड्राइविंग एट। तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई लैग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको कोई टाइमिंग डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन बिटवीन। हल्का सा जैसे कि आप क्लच दबा के गियर चेंज करते हैं उसी तरीके का एक एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में देखने को मिलता है। गाड़ी को मैंने मैनुअल मोड में डाला है और अभी इसका एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेक्सॉन के अंदर आपको 1.2 यानी कि 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है और 1200 सीसी के इंजन में आपको जो पावर देखने को मिलती है वो 105 से 110 पीएस की देखने को मिलती है, जहां पे कि आपको ये इंजन एक टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है और इस टर्बो चार्जर का जो इफेक्ट है वो काफ़ी लोअर आरपीएम से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे वेट करना पड़ रहा है पावर का कि पावर डिलीवरी मेरे पास में आए और उसके बाद में फिर थोड़ा सा लैग हो उसमें, इसमें कहीं से कहीं तक कोई लैग नहीं है। जैसे कि अभी मैं मैनुअल में चला रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स। एक बार हम गाड़ी का टर्निंग रेडियस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम टर्न करके देखते हैं गाड़ी को कि कितना मतलब स्मूथ ये जाता है। बड़े आराम से गाड़ी टर्न हो गई और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई इसको इसने स्पेस एक्वायर किया हो या फिर बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ा हो किसी चीज़ का। नॉर्मल जैसे कोई भी हैचबैक गाड़ी होती है कोई भी, उस तरीके से सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की यही खूबसूरती है कि आपको एक पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि डायमेंशंस में एक हैचबैक का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ साइज़। तो ये ड्राइवेबिलिटी के मामले में बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पर रोड पे मेरे को थोड़े बहुत जो हैं वो बम्प्स देखने को मिल रहे हैं और उससे सस्पेंशन टेस्ट भी मैं कर पा रहा हूँ। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हल्का सा स्टिफर साइड पे है, हल्का हल्का सा फीडबैक आ रहा है। स्टिफर साइड पे होने के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान दोनों होते हैं। अगर वो ज़्यादा स्टिफ साइड पे होता है, मतलब इतना नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन हल्का सा स्टिफर साइड पे मेरे को फील हो रहा है। एक बार हम इसके ब्रेक्स भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी गाड़ी हमारी थर्ड गियर में है और मेरे ख्याल से 38-40 की स्पीड पे है, तो ब्रेक्स भी काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है। अभी इस वक्त गाड़ी ऑटोमेटिक वेरिएंट में है और सामने जो है वो सड़क एकदम साफ है। तो हल्का सा अगर हम देखें कि अगर हम एक्सेलरेट करें गाड़ी को तो गाड़ी का फीडबैक और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर जैसे मैनुअल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, सीवीटी गियर बॉक्स नहीं है तो आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा लैग या बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। मतलब वो ऑन एंड ऑन अगर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देखा जाए तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन जिसको कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन करके कंपनीज वगैरह दे रही हैं तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा नेक्सॉन का फर्स्ट ऑटोमेटिक का ड्राइव रिव्यू। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की वो आपके काम आएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसकी वजह से आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखो नेक्सॉन भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है और ब्रीजा तो हम जानते ही हैं सभी की अपने सेगमेंट में क्लास लीडिंग कार है। तो दोनों में से कौन सी बेहतर है ये कहना मुश्किल है क्योंकि किसी के अंदर कुछ चीजें अच्छी हैं और किसी के अंदर कुछ और चीजें अच्छी हैं। तो बड़ी सीधी सी वर्डिक्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस और आपको बहुत पावरफुल अच्छा खासा एक पैपी इंजन चाहिए तो बेशक आप मारुति ब्रेजा के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए एक बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स हैं और इंटीरियर को लेके अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी के थोड़े अच्छे इंटीरियर हों तो फिर आप टाटा नेक्सॉन के साथ जा सकते हैं। नो डाउट ब्रेजा का जो इंजन है वो ज्यादा रिलैक्स्ड है, फन टू ड्राइव है और कहीं ना कहीं एक बड़े इंजन का एहसास दिलाता है। और यहीं पर नेक्सॉन में नेक्सॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है उसको कह सकते हैं थोड़ा बहुत आप 21 कह सकते हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है और हाँ इंटीरियर्स में आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। ब्रीजा के टॉप मॉडल में भी आपको इंटीरियर्स में इतना अच्छा नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइज, स्टे होम स्टे सेफ, सी यू टेक।